और वो तो ढक्कन पी के आउट। फिर शाम को कहती है मैं प्रीति से ज्यादा खूबसूरत हूँ, माधुरी से अच्छी डांसर हूँ, हुई ना आउट। मैं तो घर पे भी आउट कर देता बच्चों को। बच्चों को कैसे आउट करते हो? बच्चे ज्यादा शायद, मैं कहा आउट बाहर जाओ। देखिए मैं एक बात बताऊँ, वैसे मेरी दोस्त है पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? नाम इसका पंजाबी है, पंजाबी का एक लफ्ज कभी बोला नहीं। जयपुर के लिए खेल रही है, बंबई में ऐसे कोई पूछता नहीं, मतलब हो क्या रहा है? ऐसे नहीं है वो, 40 लाख की गाड़ी है, ड्राइवर को तनख्वाह भी नहीं देती। ड्राइवर को क्यों नहीं तनख्वाह देती? अब बस के ड्राइवर को तनख्वाह देते हुए अच्छा लगेगा आदमी। वो बस में घूमती है? हाँ, बहुत मासूम है बेचारी। कंडक्टर कहता टिकट, कहता मेरे को नहीं चाहिए, तुम रखो। एक बात सुनो, पता है एक एक जमाने में ना इसके माथे की बिंदियां बड़ी फेमस हो गई थी। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी लगाती थी ना। मैंने भी पूछा, मैंने कहा बिंदी क्यों लगाती इतनी बड़ी? बोला मुंह तो कोई देखता नहीं, बिंदी के बहाने शायद मुंह दिख जाए। लड़कियां तो मुंह पे बिंदी लगाती नहीं, ये पहले लड़की थी बिंदी पे मुंह लगाती थी। बस बहुत हो गया शकील भाई, अभी दोस्त है मेरी। मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है। और ये परसों एक क्रिकेट खेलने गई, ग्राउंड में धोनी मिल गया। हाँ, वो धोनी को बोली मुझे क्रिकेट सिखाओ, वो कह रहा बहन जा, तेरे जो चुगली वाला काम है वो कर। कह रही नहीं नहीं मैं तो क्रिकेट सीखूंगी। धोनी ने उसको गेंद दिया, बोले जा मेरे को गेंद करा, बोले पीछे जा पीछे जा पीछे जा और पीछे, गेट के बाहर निकाल के बोले चौकीदार बंद कर। उसके बाद अपना विशाल वहाँ चौकीदार लगा था, फिर इसने बंद किया। और याद आया, छोड़ छोड़े ये बता तेरे भाई का क्या हाल है? सुना कुत्तों के रेस में फर्स्ट आया वो। हाँ, कुत्तों की रेस, वही रेस ना जिसपे तुम बड़ी जिद करते हो, मुझे भी भागना है, मुझे भी भागना है, वही वाली रेस ना। हाँ, फिर लोगों ने समझाया नहीं, कल शेर की रेस है उसमें भागना। अब मैं आपको शेर समझते हो? यस, शेर वो बैठा है वो विशाल। यार तू कितनी बेशरम लड़की है, किसी के मुंह पे जानवर कह रही है। नहीं, चुप करो। 20-20 लड़कियां इंतजार करती हैं उसका। कितनी? 20-20 लड़कियां। क्या इमली बेचता है ये? चुप हो जाओ, उसकी बेइज्जती मत करो यार, मुझे उससे शादी करनी है। इससे करेगी? मुझे सिर्फ सर्दियां काटनी है। अच्छा, वो लड़का है कंबल है। अबे उसके क्या, उसके घर वाले खुद कंफ्यूज हैं। मतलब? मैंने इनके डैडी से पूछा, बोला बेटा मैं तो कंफ्यूज हूँ, पता नहीं इसकी बारात आएगी जाएगी। देखो सुनो, ज्यादा अनाप शनाप मत बको, पता है बहुत रईस है, बहुत पैसे है, बहुत सारी जमीन है इसके पास। मेरे को घर बुलाया उसने, बोला आओ जमीन। मैंने कहा घर से ले जाएगा मुझे जमीन दिखाने। फिर मैं ड्राइंग रूम में बैठा, ड्राइंग रूम में ही जमीन लेके आ गया। वो कैसे? परात में ना मिट्टी डाल के सरसों के 4 खेत लगा के दिया। कह रहा भैया ये मेरी जमीन है। मैंने कहा रखते कहाँ? बोले कभी स्टोर में कभी टॉयलेट में। मैंने कहा यार ये अच्छा, तेरी जमीन पे कभी कब्जा नहीं हो सकता भाई, तू आराम से। मेरे को मिला स्टेडियम के पास। फिर मैंने कहा यार तुम एक्टर हो, एक्टर भी है ना? मैंने कहा एक्टिंग दिखा मेरे को। कह रही मेरे को शर्म आ रही है। मैंने कहा दिखा दे एक्टिंग, दिखा दे यार दिखा दे, बहुत जिद कर, शर्म आ रही है। फिर इसने एक्टिंग दिखाई, मैंने कहा शर्म कर यार। मैंने कहा शर्म कर, अब तू 4 साल का नहीं, बड़ा हो गया है, ऐसे एक्टिंग दिखाएगा कोई एक्टिंग पे चप्पल मार जाएगा तेरे। वैसे एक बात बताओ, ये यहाँ पर क्यों आए? हाँ मैं ही पूछने वाला हूँ, इसमें तो वो आते ना अपना शाहरुख सलमान। अब समझ में आया, पता है शो बहुत हिट हो गया है। मतलब कमाल की टीआरपी आ रही है, नंबर 1 शो हो गया है। बात है, तो सबने सोचा कि अब हमारा शो इतना हिट हो गया है तो इसको नजर नहीं लगनी चाहिए, तो इन सबको नजर बट्टू के तौर पे बुलाया हुआ है हम लोग।